देन लेट्स स्टार्ट विद डिक्शनरी. दिस इज द लास्ट डेटा टाइप और इसको पढ़ने के बाद विल बी लाइक पाइथन में हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए और फिर हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे, म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर फंक्शंस और रिकर्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन और रिकर्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डिक्शनरी. सो डिक्शनरी इज अ स्पेशल डेटा टाइप जहाँ पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं. मतलब दिस इज अ वैलिड डिक्शनरी. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ठीक है, नाउ दिस इज अ डिक्शनरी इन पाइथन. स्क्वेयर कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा. ठीक है, दैट इज हाउ डिक्शनरीज वर्क. नाउ डिक्शनरीज को पढ़ने के लिए हम फिर से सेम वही रूल्स यूज, मतलब वही ऑर्डर यूज करेंगे. विल क्रिएट, विल एक्सेस, वो पूरा ऑर्डर फॉलो करेंगे. बट उसके पहले फिर से कुछ रूल्स होते हैं डिक्शनरीज में, वो अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा. ठीक है, सो रूल नंबर वन इज कि डिक्शनरी हैज नो इंडेक्सिंग, जस्ट लाइक सेट्स. यहां पे भी कुछ इंडेक्सिंग नहीं होता. ठीक है, रूल नंबर टू, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप जस्ट लाइक सेट्स एंड लिस्ट्स. रूल नंबर थ्री कीज, जो कीज होते हैं यहां पे, जैसे नेम है और जेंडर है, कीज शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल. ठीक है, और वैल्यूज जो होते हैं दे कैन बी म्यूटेबल. मतलब ये म्यूटेबल भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है, बट कीज हमेशा इम्यूटेबल ही होना चाहिए, ये याद रखना है आपको. ठीक है, रूल नंबर फोर, कीज शुड बी यूनिक, कीज रिपीट नहीं हो सकते. ठीक है, ये चार रूल्स गाइज आपको याद रखने पड़ेंगे. इस पॉइंट तक अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल है, कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, तो मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूं. म्यूटेबल डेटा टाइप्स ये रहे, लिस्ट, सेट्स एंड डिक्शनरी, ये सब म्यूटेबल डेटा टाइप्स है. मतलब मेमोरी में उसी जगह पे आप एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, एड्रेस चेंज नहीं होगा. देन वी हैव गॉट आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो कि बाकी सब कुछ है. सो स्ट्रिंग्स, टपल्स, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं. तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि ये तीनों म्यूटेबल हैं, बाकी कुछ भी है तो इम्यूटेबल है. मतलब इन सभी को आप मेमोरी में उसी जगह पे रख करके एडिट नहीं कर सकते. अगर आप एडिट करोगे तो एड्रेस चेंज होगा, और एड्रेस चेंज होने का मतलब है नया ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्लीज यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिक्शनरीज इन द सेम ऑर्डर जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरीज. ठीक है, सो सबसे पहले आई विल क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी. यू ऑलरेडी नो दिस इज हाउ यू क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स क्रिएट अ नॉर्मल डिक्शनरी. अ नॉर्मल डिक्शनरी वुड बी लाइक दिस, जैसा मैंने ऊपर बनाया है. आई जस्ट कॉपी दिस, दिस इज अ नॉर्मल डिक्शनरी. ठीक है, राइट. नाउ आई प्रूव दिस पॉइंट, आई प्रूव दिस पॉइंट कि कीज हमेशा म्यूटेबल होने चाहिए. ये मैं पॉइंट प्रूव करूंगा अभी. सो D1 मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं जहां पे आई एम टेकिंग अ की विच इज अ लिस्ट, और यहां पर आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग. एंड यू वुड सी दिस विल थ्रो एन एरर. यहां पे देखो फिर से वही लिखा हुआ है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट. यहां पे भी बिहाइंड द सीन्स हैशिंग यूज हो रहा है. ठीक है, पढ़ेंगे हम ये सब. और अगर मैं यही चीज को ट्राई करता यूजिंग अ टपल तो हो जाता. लेट मी शो यू, कोलोन, सब कुछ सेम है, बस लिस्ट के बदले टपल है और ये डिक्शनरी देखो क्रिएट हो गया. सो दिस दिस प्रूव्स कि कीज हमेशा इम्यूटेबल होंगे, वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता. वैल्यूज कैन ईदर बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, दोनों से काम चल जाएगा. ठीक है, और लास्ट एक और पॉइंट जो है, कीज शुड बी यूनिक. ये भी मैं आपको जल्दी से प्रूव करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना.
लेट्स से मैं D2 बना रहा हूं, D2 में आई एम क्रिएटिंग दिस नेम राहुल कॉमा, फिर से सेम की यूज किया विथ रोहित, और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि एरर आएगा तो नहीं, एरर नहीं आएगा, कोड रन हो जाएगा बट द आउटपुट वुड बी दिस, अपडेट हो गया। सो पाइथन को क्या लगा कि तुम इसी की के वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो, तो जब भी यू विल यूज रिपीटिंग कीज तो हर की का एक ही इंस्टेंस रहेगा, और वो कौन सा इंस्टेंस रहेगा, सबसे रीसेंट वाला, ठीक है। सो यही हो रहा है यहां पर। सो हमने यहां तक 2-3 पॉइंट्स प्रूव कर लिए, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल हमने प्रूव नहीं किया, डिक्शनरी हैज नो इंडेक्सिंग ये भी अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, बट ये दोनों पॉइंट्स हमने प्रूव कर लिए, ठीक है। नाउ आई शो यू हाउ कैन यू क्रिएट 2D डिक्शनरीज, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होते हैं। लेट मी शो यू, लेट्स से हम एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है उसके नाम के साथ, उसके कॉलेज के साथ, तो यू विल यूज इट लाइक दिस, यू विल राइट नेम रोहित कॉलेज HIT, और फिर मैं मार्क्स बोल करके एक और डिक्शनरी बनाऊंगा, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, यहां पे सब्जेक्ट का नाम M1 56 DS 54 एंड इंग्लिश 67 एंड यू कैन सी दिस इज अ 2D डिक्शनरी, ठीक है। सो डिक्शनरी के अंदर देर इज वन मोर डिक्शनरी, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड द आइडिया कि आप और डीप भी जा सकते हो, आप डी 3-डायमेंशनल डिक्शनरी भी बना सकते हो, 4-डायमेंशनल डिक्शनरी भी बना सकते हो, इट डज नॉट मैटर, बस लॉजिक ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो वी आर डन विथ क्रिएटिंग डिक्शनरीज, हमने डिक्शनरी बनाना सीख लिया, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये डिक्शनरी है, ये वाली नहीं, ये वाली डिक्शनरी है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका फर्स्ट आइटम चाहिए, आई कैन नॉट राइट दिस, दिस विल नॉट वर्क, इट सेज की एरर जीरो, बोल रहा है कि जीरो नाम से कोई की नहीं है। इसका मतलब आपको जब भी कोई भी वैल्यू चाहिए उसको फेच करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसके की का नाम बताओ। जैसे अगर मुझे नितिश चाहिए होगा तो आई वुड राइट नेम एंड दिस विल गिव मी द वैल्यू, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर दैट की, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं जेंडर, नाउ देन आई गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर की, ठीक है। सो डिक्शनरीज में यू डोंट हैव इंडेक्सिंग, यू डोंट हैव नेगेटिव इंडेक्सिंग, एंड यू डोंट हैव स्लाइसिंग। देर इज ओनली वन वे टू फेच आइटम्स आउट ऑफ अ डिक्शनरी, एंड दैट इज बाय प्रोवाइडिंग द करेक्ट की, ठीक है। सो हमने अभी जस्ट ये वाला पॉइंट प्रूव किया, डिक्शनरी हैज नो इंडेक्सिंग, ठीक है। सो जब भी आपको एक्सेस करना है कीज से पकड़ के करना है, ओके। तो आई गेस ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इज हाउ टू एडिट, कोई एक पर्टिकुलर आइटम को एडिट कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से हम डी का ही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, या फिर हम डी, हाँ चलो डी का ही एग्जाम्पल। अच्छा बाय द वे एक चीज और, एडिट करने के पहले वॉट अबाउट 2D डिक्शनरी, 2D डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करना है। लेट्स से मुझे DS के मार्क्स चाहिए तो मुझे कैसे मिलेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट D3 एंड आई विल प्रोवाइड द की मार्क्स, राइट, एंड दिस विल गिव दिस डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के अंदर से मुझे DS के मार्क्स चाहिए, तो मैं फिर से ये कोड को कॉपी करके यहां पे पेस्ट करूंगा, और यहां पर आई वुड राइट DS एंड नाउ आई गेट DS के मार्क्स, ठीक है। तो जैसे लिस्ट में होता था बिल्कुल वैसे ही आप डिक्शनरी में करोगे, स्क्वेयर ब्रैकेट्स बढ़ाते जाओगे। सो हमने एडिट करना सीख लिया बोथ इन 1D डिक्शनरी एंड 2D डिक्शनरी। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू, सॉरी हमने एडिट करना नहीं सीखा, एडिट करना आप सीखेंगे, ठीक है। हमने एक्सेस करना सीख लिया 1D और 2D में, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू एडिट अ डिक्शनरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, लेट्स से मुझे ये नाम चेंज करना है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू,
और अब अगर आप डी को प्रिंट करो तो यू कैन सी आपने एडिट कर दिया। सो आपको करना कुछ नहीं है, सही की का नाम प्रोवाइड करना है और उसको नया वैल्यू दे देना है, ठीक है। लेट्स से मुझे इसको 54 के बदले 64 करना होता तो मैं क्या कोड लिखता, मैं लिखता डी ए डी, एक्चुअली द डिक्शनरी इज डी थ्री, डी थ्री का मार्क्स स्क्वेयर ब्रैकेट डी एस इज इक्वल टू 64। और अब अगर मैं D3 लिखता तो यू कैन सी एडिट हो गया, ठीक है। तो जैसे आप एक्सेस कर रहे हो बिल्कुल सेम तरीके से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ 1D डिक्शनरी और 2D डिक्शनरी, ठीक है। एडिटिंग इज वेरी सिंपल। एक चीज और, एक्सेस करने के लिए एक फंक्शन भी होता है, जैसे ये D है, मुझे ये राहुल चाहिए है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्क्वायर ब्रैकेट की का नाम प्रोवाइड कर सकता हूं। और अ सेकेंड ऑप्शन इज कि आप डी डॉट गेट फंक्शन को कॉल कर सकते हो विद द करेक्ट नेम एंड यू विल गेट द सेम आंसर। बट ये वाला फंक्शन मैं यूज नहीं करता क्योंकि अगर 2D है ना, जैसे अब मुझे डीएस चाहिए तो मैं ये गेट नहीं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स वाई आई प्रेफर दिस सिंटेक्स ओवर दिस सिंटेक्स। बट याद रखो आपका एग्जाम चल रहा है, आप कंपनी में कोड नहीं कर रहे तो आपको ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। सो हमने एक्सेस करना सीख लिया, हमने एडिट करना सीख लिया, लेट्स लर्न हाउ टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर्स, हाउ टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक डिक्शनरी है डी और इसमें लेट्स से हमें एज की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, नए की का नाम लिखेंगे और उसका वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और अब हम जैसे ही डी को प्रिंट करेंगे यू कैन सी वी हैव अ न्यू की वैल्यू पेयर, ठीक है। सिमिलरली इन अ 2D डिक्शनरी लेट्स से मुझे एक नया सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करना है, लेट्स से M2 का मार्क्स ऐड करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट D3 आई विल प्रोवाइड मार्क्स और यहां पे आई विल प्रोवाइड द न्यू की विच इज M2 और इसके मार्क्स 50। और अब मैं अगर D3 को प्रिंट करूं यू कैन सी हमारे पास एक और सब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ऐड करना भी समझ में आ गया, जस्ट प्रोवाइड अ न्यू की एंड प्रोवाइड अ न्यू वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। या नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट, अच्छा हमने एडिट करना सीख लिया ना, हाँ लेट्स लर्न हाउ टू डिलीट। सो डिलीट करने के अपने पास वही तरीका है, डेल, जैसे कि हमारे पास डी था, लेट्स हमारे पास एक D5 बोल के एक डिक्शनरी है जो कि एम्प्टी डिक्शनरी है, तो आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हो, ये तो पता ही चल गया। यू कैन ऑल्सो डिलीट इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स, यू कैन ऑल्सो डिलीट इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स, लाइक अगर आपके पास डी है और मुझे लेट्स से ये जेंडर वाला की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है, तो आई वुड जस्ट राइट डेल डी और उस की का नाम जिस की वैल्यू पेयर को मुझे डिलीट करना है, नाउ डी विल गिव मी दिस, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू इट। और जितना मुझे याद है एक क्लियर फंक्शन होता है जैसे सेट में था, उससे क्या होगा, डी डॉट क्लियर से आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डिक्शनरी विल बिकम एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो ये डिलीशन हो गया, ठीक है। नाउ कम्स ऑपरेशंस, व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट आर अवेलेबल। सो मेरे पास डिक्शनरी डी है, मेरे पास डिक्शनरी D1 है, D2 है, D3 है, ठीक है। तो देखो सेट डिक्शनरी का कॉन्कैटिनेशन तो नहीं होता है, D1 प्लस D2 विल थ्रो एन एरर, जस्ट लाइक सेट्स यहां पे कॉन्कैटिनेशन काम नहीं करेगा, मल्टीप्लीकेशन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। बट लूप्स चलते हैं, सो अगर मैं D3 का बात करूं आप इसके ऊपर लूप चला सकते हो, फॉर आई इन D3 प्रिंट आई, बट जब आप आई को प्रिंट करते हो तो यू विल गेट ओनली द कीज नॉट द वैल्यूज, ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप लूप चला रहे हो डिक्शनरी के ऊपर आपको हमेशा सिर्फ वैल्यू कीज मिलेंगी, वैल्यूज कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज भी चाहिए तो आप इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक दिस यू कैन राइट आई, आई का मतलब की, और फिर D3 के अंदर अगर आप आई को डाल दो तो दिस इज द सिंटेक्स टू फेच वैल्यूज,
एंड यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज लाइक दिस. ठीक है, सो लूपिंग काम कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मेंबरशिप भी काम करता है. सो वी हैव डी थ्री. वॉट डू यू थिंक विल हैपन अगर मैं लिखूं रोहित इन डी थ्री, ट्रू और फॉल्स? वॉट डू यू थिंक विल हैपन, ट्रू या फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स. क्योंकि सी इन डिक्शनरी एवरीथिंग इज अबाउट कीज, तो जब आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगाते हो तो वो जाकर के कीज में चेक करता है. आई कैन एक्चुअली प्रूव दिस कि अगर आप नेम लिखो इन डी थ्री तो दिस विल गिव यू ट्रू बिकॉज नेम एक्चुअली एज अ की एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर लगा रहे हो डिक्शनरी के ऊपर तो आप चेक कर रहे हो कि ये चीज जो मैंने डाली है ये कीज में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वैल्यूज में नहीं, कीज में एग्जिस्ट करती है कि नहीं. ठीक है, तो ऑपरेशंस कौन कौन से काम कर रहे हैं? लूपिंग काम कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो हैव मेंबरशिप ऑपरेटर वर्किंग हियर. ठीक है, फंक्शंस के नाम पे हमारे पास वो कॉमन फंक्शन सभी हैं, जैसे कि हम लेंथ निकाल सकते हैं डी थ्री का, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. ठीक है, वी ऑल्सो हैव मिन. सो मिन क्या करेगा, सारी डिक्शनरीज में जो मिनिमम है उसको निकाल करके देगा कॉलेज, वही सेम लेक्सियोग्राफिकली ASCII वैल्यू के हिसाब से. ठीक है, मैक्स विल गिव यू द ऑपोजिट. ठीक है, सम काम नहीं करेगा बिकॉज ये सब कुछ टेक्सचुअल डेटा है, बट अगर आपके कीज इंटीजर होते सम भी काम कर जाता. ठीक है, वी ऑल्सो हैव सॉर्टेड, राइट, और इसको आप रिवर्स में कर सकते हो या आप कई बार देख चुके हो. ठीक है, और कुछ फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक टू डिक्शनरीज हैं, जैसे कि एक फंक्शन है, जैसे मैं अगर हाँ डी थ्री का बात करूं तो डी थ्री डॉट कीज इज अ फंक्शन जो मुझे लिस्ट ऑफ कीज देता है, और सिमिलरली डी थ्री डॉट वैल्यूज इज अ फंक्शन जो मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज देता है ऑफ दैट डिक्शनरी. ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस थोड़े काम के हैं कि अगर आपको एक साथ सारे कीज चाहिए तो डी मतलब डिक्शनरी डॉट कीज कर दो, और अगर आपको एक साथ सारी वैल्यूज चाहिए तो आप डी डॉट वैल्यूज कर दो, यू विल गेट देम इनसाइड अ लिस्ट सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो विद दैट यस गाइज दैट्स इट, हमें डिक्शनरी में इतना ही पढ़ना था.